धनबाद कोलियांचल में कोलियरियों में वर्षाओं को लेकर हमेशा से हिंसक झड़प खूनी संघर्ष होता आया है। कोलियरियों में खास व्यक्ति राजनीतिक दल अपना दबाव बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में विशेषल के काटा पहाड़ी में सिंडिकेट विरोधी कन्हई चौहान द्वारा 150 टन कोयला का डीओ लगाया गया है। आज एक ट्रक का अलॉटमेंट मिला था। अलॉटमेंट मिलने पर ट्रक को काटा के लिए लाया गया, लेकिन लिंक फेल होने की बात कहकर ट्रक का काटा नहीं हुआ। सिंडिकेट विरोधी द्वारा कोयला डीओ काटा पहाड़ी में लगाए जाने पर कोलियरी में तनाव है। दोनों पक्षों के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। तनाव को देखते हुए सीआईएसएफ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं कोयला डीओ धारक प्रतिनिधि भोलू यादव ने कहा कि कन्हई चौहान का एक गाड़ी का अलॉटमेंट आज मिला था, लेकिन काटा ट्रक का नहीं हुआ। जब भी विपक्ष के लोग कोलियरी में डीओ लगाते हैं, तब काटा का लिंक फेल कर दिया जाता है। विशेषल प्रबंधन और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल में हर कोई बेरोजगार है। पुलिस यह देखे कि कौन कोलियरी के काम में बाधा पहुंचा रहा है। वो चेतावनी देते हैं कि विपक्ष लोग अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो भुगतान भोगने के लिए तैयार रहे। मामला यही है कि कन्हई चौहान जी का 150 टन डीओ आया था काटा पहाड़ी में, तो हम लोग आए अपना गाड़ी लेके कि चलो आज अलॉटमेंट है उठाना है, तो पता चला हम लोग आए तो काटा पहाड़ी में लिंक फेल था। तो लिंक फेल है तो बार बार जो भी विपक्ष का डीओ लगता है तो उसमें बार बार लिंक फेल कर दिया जाता है, तो यह समझ में नहीं आता है। और बीसीसीएल और प्रबंधक और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसा ना हो, और कोरोना महामारी में जो भी अपना बेरोजगार है वो अपना डीओ लगा कर दो पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ ना करें प्रशासन और प्रबंधन, और जिनके भी ये गुर्गे का काम है वो ऐसा ना करें, नहीं तो इसका भुगतान उनको भोगना पड़ेगा। और प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस पर कार्रवाई करें।